हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ इन स्टडीइंग अब्रॉड। सो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है दैट यूके पोस्ट ब्रेक्सिट वहाँ पर इकोनॉमीज थोड़ी अच्छी नहीं है, कनाडा में वीज़ा इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पर अकोमोडेशन क्राइसिस हो रहा है। सो व्हाट शुड बी योर टॉप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आज के टाइम में इन 2024। सो वीडियो शुरू करते हैं विद दिस ट्रेंडिंग न्यूज जो आजकल आ रही है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग डिफरेंट कंट्रीज, वो कंट्रीज क्या है, वहां पर क्यों लोग जा रहे हैं अभी, वहां पर क्या वीजा पॉलिसीज हैं, कितना कॉस्टिंग आती है, पोस्ट वर्क परमिट्स क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कंट्री चूज करो, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्म्ड वीडियो फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोज चाहिए तो कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियोज चाहिए, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें ताकि इससे हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। सो अभी कैनेडा में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, यूके में क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज। जो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं यूजुअली अब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। सो दे आर प्रेफरिंग फ्रांस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज है जो अभी लाइमलाइट में आई है, वहां पर भी स्टूडेंट्स कब से ही जा रहे हैं, बट अभी थोड़ा वहां पर ज़्यादा हो गया है, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम एक ट्रेंड देखें तो वहां पर एक्सपोनेंशियली ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। साउथ कोरिया इज वन ऑफ द कंट्री, लिथुआनिया, चिले, टर्की, माल्टा, ताइवान, ये सब कंट्रीज हैं जो आजकल स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी फेवरेबल कंडीशंस लेकर आ रहे हैं, वहां के जो वीजा रूल्स हैं, वीजा पॉलिसीज है काफी फेवरेबल है। इसके अलावा वहां जो कॉस्ट है वो काफी कम है, सो इफ यू कंपेयर इट विथ यूएस, कैनेडा, यहाँ पर एक्सपेंसिव है काफी लिविंग, और इन कंट्रीज में जो कॉस्ट है वो काफी कम है, जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो काफी लुक्रेटिव है। इसके अलावा और कंट्रीज जो आजकल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो है दुबई, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, जर्मनी। सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज जहां पर आप भी देख सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। हर कंट्री का डिफरेंट एक्सपेंस है, डिफरेंट पोस्ट वर्क परमिट है। कुछ कंट्रीज का हम थोड़ा जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी का जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 18 मंथ्स का रहता है। इसके बाद हम बात करें फ्रांस की, तो वहां पर 24 मंथ्स का, 2 ईयर्स का आपको वर्क परमिट मिलता है। एंड फ्रांस एंड जर्मनी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। अगेन, फ्रांस एंड जर्मनी में हमेशा से स्टूडेंट्स जाते रहे हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, सिंगापुर में आप 12 मंथ्स तक रुक सकते हो अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास किया है। अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है तो आप 3 मंथ्स तक रुक सकते हो। आयरलैंड में यू कैन स्टे फॉर 2 ईयर्स, स्वीडन में यू कैन स्टे फॉर 1 ईयर। स्वीडन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्ट टाइम जॉब का, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कितने भी आवर्स स्वीडन में आप कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ अ गुड रीजन टू परस्यू स्वीडन। फिनलैंड में आप पार्ट टाइम वर्क 30 आवर्स कर सकते हो, और पोस्ट स्टडी वर्क जो आपका ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स का। नीदरलैंड्स में 1 ईयर का मिलता है, 16 आवर्स आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। इटली में 6 मंथ्स का मिलता है, लेकिन काफी इजीली उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। स्पेन में अगेन 1 ईयर का मिलता है, और इटली और स्पेन दोनों में आप 20 आवर्स का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और हम अगर माल्टा की बात करें, माल्टा भी अभी काफी बूमिंग डेस्टिनेशन है, तो माल्टा में आप 1 ईयर तक वर्क कर सकते हो। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 1 ईयर का मिलेगा, उसके बाद आप एक्सटेंड कर सकते हो। सो रीजन कम्स कि अब हम इस मोमेंट पर कौन सी कंट्री चूज करें। सो अगेन आई सजेस्ट कि जब आप हमारे थ्रू आते हो तो हम आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, आपका क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है उस पर्टिकुलर कंट्री में, और आपका क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, इवन स्कॉलरशिप्स।
और आपको एक पूरा करियर पाथ बताते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। इसके अलावा हम आपको हेल्प करते हैं पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में, वीज़ा असिस्टेंस में, डॉर्मेट्री असिस्टेंस में और बैंक लोन असिस्टेंस में। सो अगर आपको आपकी स्टार्ट करनी है अब्रॉड जर्नी तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें पिंग कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।